देखो बहुत जल्द हमें हमारा ये घर, हमारी सारी फैक्ट्रीज और हमारे सारे गहने हमें वापस मिलने वाले। रिया तू बिल्कुल चिंता नहीं कर, तेरी दादी है और इस झमेले से हमें बाहर निकालेगी प्रकाश जी की कंपनी। और अनन्या उसका क्या, वो तो हाथ धोके नील के पीछे पड़ी हुई है छिपकली। उस अनन्या को मैं अपने लिए से छीन ही लूंगी। आज पहली बार ऐसे लग रहा है कि तू नहीं दयावंती मेहता की पोती बोल रही है। शुक्र है भगवान का कि तू अपनी माँ पे नहीं गई। देख तुझे उस लड़की पे हमेशा के लिए नजर रखनी होगी। दीक्षा पे चोरी का इल्जाम लगाया, तेरे नील पर डोरे डाल रही है वो लड़की और मेरे अमोल के साथ तो बड़ी बदतमीजी से पेश आ रही है। मेरी जिंदगी में तो तूफान बनकर आई है वो अनन्या, तो हम सबकी दुश्मन कौन है? अनन्या। और घर से बाहर हम किसे निकालेंगे बोलो बेटा? अनन्या। और किसकी जिंदगी में तूफान आएगा? क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ किसी स्पेशल ओकेजन की प्लानिंग चल रही है तो तुमने कुछ नहीं सुना? हमें लगा था कि क्या नहीं सुना? कुछ नहीं, वो तो बस एक्चुअली हम डिनर हैवी कर लिया था ना, तो उसके बाद में कुछ भी। अनन्या नहीं, अनन्या एक्चुअली हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। कभी कभी लोगों को परखने में ना गलती हो जाती है। अब देखो ना, अमोल को सुधारने के लिए तुम कितनी मेहनत कर रही हो और एक मैं हूं जो तुमसे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हूं। अनन्या दोस्तों के बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं? आई मीन फ्रेंड्स अगेन? ऑफ कोर्स कर सकते हैं रिया। अनन्या, यू आर सच अ स्वीट हार्ट, तुम एकदम मेरी लाइफ में एंजल बनकर आई हो। अब देखना कैसे मेरी फैमिली के सारे लोग तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे। है ना दादी? बिल्कुल। बखत दिन भर मटर गश्ती करता रहता है, ये कोई वक्त है घर आने का? चला खाना खा ले। अब नन्नो क्या बताऊं, पता आज कैफे में कितना काम किया मैंने, आपको पता भी नहीं है। लडूंगा दे। मिलाया अपनी अवनी से? अपनी ननु, अपनी से कैसे मिल सकता? अपनी तो हम सबको छोड़ के जा चुकी है ना।
अच्छा, कल तक तो यही बात मानने को तैयार नहीं था, आज क्या हो गया? नहीं नन्नो, कब तक सच्चाई से भागता फिरूंगा मैं? कभी ना कभी तो सच्चाई को मानना पड़ेगा ना। जाने वाली तो चली गई नन्नो, और मेरे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। और नन्नो आप भी तो यही कहते हो ना। तो फिर आज अनन्या को अवनी कह के क्यों पुकारा? मुझसे झूठ मत बोल। नहीं नन्नो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे सब पता है अली, नील ने सब बता दिया। नहीं नन्नो, ऐसा कुछ नहीं। खामोई सर की कसम, सच बता, यवनी जिंदा है ना? मोई गुड़िया जिंदा? नहीं नन्नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगर वो नहीं बताना चाहती तो कोई ना कोई वजह होगी। बस करो नन्नो, आप भी ना ये बीते हुए कल के पीछे भागना ना बंद करो। जो लोग जिंदा है उनके बारे में सोचो। ये जो इंसान सामने बैठा ना, वो जिंदा है, उसे भूख लग रही है। मैं प्लीज खाना खा लूं? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, फलसफे मत झाड़, तोयले छाछ लेकर आती हूँ। तो ये बचपन से जानती हूँ अली, झूठ बोलना तो ये बस की बात नहीं। या मेरे मौला, मोई अवनी का ख्याल रखना। की रात में कितना कुछ चेंज हो गया ना माँ, अली को सब कुछ पता चल गया। और रिया, रिया कितनी चेंज हो गई। एक्चुअली ना हमें रिया पे भरोसा सिर्फ। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। आप ऐसे क्यों कर रहे? ये भोली सी सूरत लेके ना किसी और का दरवाजा खटखटाना। बहुत फायदा उठा लिया तुमने मेरा, अब और नहीं। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम रुको यहीं पर। ये रहा तुम्हारा सामान, उठाओ इसे और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। ऐसे क्या देख रही हो? जस्ट पिक अप एंड लीव। निकलो, जाओ, गेट आउट। पेइंग गेस्ट थी ना तुम मेरी, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना, लेकिन तुमने क्या किया? 4 महीने से मेरा रेंट नहीं दिया, जब देखो चपड़ 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 चपड़। दयावंती मेहता, ये दयावंती मेहता, वो। अरे मैं क्या दयावंती मेहता की सेक्रेटरी हूं जो ऐसे ही मुफ्त में तुम्हें एडवाइस देती रहूं? बहुत हो गया, अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। सॉरी आंटी। रहने दो सॉरी, स्केट आउट। Yes? I'm sorry, मैंने बाहर खड़े खड़े आपकी बातें सुन ली। आप ठीक हैं? Yeah, I'm fine. ये पीजीज होते ही ऐसे, उंगली थमाओ तो हाथ पकड़ना चाहते हैं। पर ये घर तो अनन्या वर्मा का है ना? ओह, तो उसने तुमसे ये झूठ बोला? My God, इंसान भी ना अपने फायदे के लिए कुछ भी झूठ बोल सकता है। ये मेरा घर और अनन्या मेरी पीजी है। तुम दयावंती के दामाद हो ना? निकल जाओ मेरे घर से। बट मेरी बात तो निकल जाओ मेरे घर से। उस परिवार के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, सो प्लीज लीव। जरा मेरी बात तो सुनिए आप। प्लीज लीव, प्लीज लीव।
भोली सी सूरत लेके ना किसी और का दरवाजा खटखटा। बहुत फायदा उठा लिया तुमने मेरा, अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह। मिस अनन्या वर्मा, कब तक भागोगी मुझसे? वैसे मेरा काम आसान करने के लिए थैंक यू।